हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन मेहता, यू आर एस एस टीचर एंड टुडे वी विल रीड कंटेंट हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. आई होप यू हैव कंसिडर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द प्राइमरी बेसिस एंड नाउ आर यू रेडी टू रीड द फर्दर कंटेंट. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे पैदा किया जा सकता है या लोगों को कैसे रोज़गार दिया जा सकता है. फ्रॉम द अबोव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी अ कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. ऊपर जो हमने पीछे जो वीडियोज में हमने जो कंटेंट यहाँ पर क्लियर किया है उससे हमें साफ साफ पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, मीन्स छिपी हुई बेरोज़गारी यहाँ पर पाई जाती है. देर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, यहाँ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से काम पर नहीं लगे हुए. इन वट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, लोगों के लिए किस तरीके से रोज़गार, नए नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ देम, आइए इनमें से कुछ के बारे में देखते हैं, यानी कुछ ऐसे तरीके जिससे रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किए जा सकते हैं. टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अन इरीगेटेड लैंड. एक एग्जाम्पल जो लक्ष्मी का आया था इस बुक के अंदर, तो इस लक्ष्मी का एग्जाम्पल में आपने देखा कि उसके पास जो है अनइरीगेटेड लैंड है, 2 हेक्टेयर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड की वो ओनर है. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन, यहाँ पर सरकार इसको कुछ पैसा दे सकती है या फिर किसी प्रकार से बैंक इसको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि ये अपने यहाँ पर एक कुआं खुदवा सके. टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड, ताकि ये अपने परिवार के साथ उस वेल से वाटर लेकर अपनी क्रॉप्स को इरीगेट कर सके. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक ए सेकेंड क्रॉप. जब ऐसा हो जाए तो इससे क्या होगा, उसके पूरे खेत को पानी मिलेगा जिसकी वजह से वो दूसरी क्रॉप भी ग्रो कर सकेगी और उससे ज़्यादा फायदा ले सकेगी. दूसरी क्रॉप कौन सी, वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन. रबी सीजन के दौरान वो गेहूँ उगा सकती है उससे, अगर पानी की उपलब्धता हो तो. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. एक उदाहरण के तौर पर इसमें देखते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 hectare of wheat के production के लिए 2 लोगों को engage करने की ज़रूरत है. 50 days के लिए उसको work मिल सकता है 2 person को, including sowing, watering, fertilizer. इसमें सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, सोइंग होती है, वाटरिंग होती है, या फिर फर्टिलाइजर देने की जो प्रोसेस होती है, एप्लीकेशन और हार्वेस्टिंग, सारी एक्टिविटीज अगर इंक्लूड कर ली जाए तो 2 पर्सन को 50 डेज के लिए इंगेज किया जा सकता है. अब आप इसमें आगे देखेंगे, सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड, उसके खुद के खेतों में 2 और पर्सन को भी इंगेज किया जा सकता है, काम दिया जा सकता है. नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कनाल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स. अगर मान लो कि एक नया डैम बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है नदी के ऊपर और छोटी छोटी नहरें खोद दी जाती हैं जिससे कि अलग अलग इस टाइप के बहुत सारे खेतों को पानी दिया जा सकता है. दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इट्स सेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है और रोज़गार का जो है रोज़गार पैदा किया जा सकता है. एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी हम ख़त्म कर सकते हैं. इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. वी कैन क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. अब मान लेते हैं लक्ष्मी और उसके जैसे दूसरे जो किसान हैं वो पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं. दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, तो ज़्यादा प्रोडक्शन को वो घर पर तो रखेंगे नहीं, उसको उनको बेचने की ज़रूरत महसूस होगी. फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाई टाउन, आस पास के किसी शहर में उसको बेचने के लिए, फसल को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फैसिलिटीज़ की उन्हें नीड रहेगी.
इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, अगर सरकार ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उन्हें देती है और या फिर अपनी क्रॉप्स को स्टोरेज करने की फैसिलिटी उन्हें देती है, इससे वो क्या कर सकते हैं, अगर या फिर सड़कों को वो अच्छा बना देती है, जो रूरल एरियाज में रोड्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन अगर सरकार करवाती है, तो इससे मिनी ट्रक्स वहाँ पर आसानी से चल सकते हैं और हर जगह पर वो स्मॉल फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी के लिए ये तो वरदान साबित हो जाएगा, हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर, अब उनके पास अगर डैम बन गए तो पानी की उपलब्धता हो जाएगी। कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स, और अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हो गया या रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर जो है स्टोरेज की फैसिलिटी उन्हें मिल गई, तो इस टाइप से ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा लक्ष्मी जैसे फार्मर्स के लिए। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट ऑल्सो अदर सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, ये इस टाइप की एक्टिविटी से ना केवल लक्ष्मी जैसे छोटे किसानों को मदद मिलेगी बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाएंगे या ट्रेड सिस्टम को मेंटेन करेंगे यानी इनकी फसलें खरीदेंगे, उन लोगों को भी इससे रोजगार दिया जा सकता है। लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन, लक्ष्मी की नीड सिर्फ पानी ही नहीं है कि पानी मिले और वो अपनी फसलों को दे दे, टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड्स फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर, पानी के साथ साथ उसे अच्छे किस्म के बीज रासायनिक खाद और कृषि के औजार और पानी खींचने के लिए जो पंप सेट होता है उन सब चीज़ों की भी जरूरत होती है। बींग अ पुअर फार्मर, क्योंकि वो एक गरीब किसान है, शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें वो अरेंज नहीं कर पाती है, सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, इसलिए उसे साहूकार से पैसा उधार लेने की मजबूरी आन पड़ती है एंड पे ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जिसके बदले में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है मनी लेंडर, क्योंकि उसकी मजबूरी का वो फ़ायदा उठाएगा। If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, अगर local bank उसे reasonable rate पर जो loan provide करवा देता है तो इससे क्या हो जाएगा, she will be able to buy all these in time and cultivate her land, time पर उसे पैसा मिल जाएगा और वो सारी चीज़ें arrange कर पाएगी अपनी land के लिए और अपनी land को अच्छे से cultivate कर पाएगी। This means that along with water we also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve, अपनी खेती में सुधार करने के लिए किसानों को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं है, पानी के साथ साथ सस्ते लोन की, सस्ते ऋण की भी जरूरत है। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, इस चीज़ को हम देखेंगे मनी एंड क्रेडिट नामक हमारे जो तीसरा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड, दूसरा तरीका ये है कि हम लोकल एरियाज के अंदर रूरल एरियाज के अंदर वो जगह सर्च करें, उन्हें प्रमोट करें और लोकल इंडस्ट्रीज को वहाँ पर इस्टेब्लिश करें ताकि सेमी रूरल एरियाज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयड किया जा सके, उन्हें रोजगार दिया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए हमें गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए और ख़ास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर हों तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए रहेगा। फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइडेड टू ग्रो अरहर एंड चिकपिया, अब ये है बेटा दालों की वैरायटी हैं अरहर और चिकपिया, चिकपी का मतलब है पल्स क्रॉप्स हैं ये, सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज इन वन सच एग्जांपल, अगर हम वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, स्पेशली अगर पल्स क्रॉप्स से रिलेटेड वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, दाल मिल वहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो इजी हो जाती है, क्योंकि एक तो वो क्रॉप प्रोडक्शन वाले एरिया में इस्टेब्लिश है जहाँ से आसानी से रॉ मटेरियल उसे मिल जाएगा, दूसरा जब इसको शहर में हम बेचते हैं तो इससे जो है उनको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होगा इंडस्ट्रियल ओनर को, और इसके साथ साथ जो रूरल एरियाज के जो वर्कर्स हैं उन्हें काम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good.
अगर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हम स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज वाली फैसिलिटी देते हैं, वहां पर अपना कोल्ड स्टोरेज गोडाउन इस्टेब्लिश करते हैं, तो इससे फार्मर्स को अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना या उसे प्रिक्योर करना ईजी हो जाएगा, और वो तब इतने तक वो अपनी फसल को सेफ रख सकते हैं जब तक कि मार्केट में उसकी जो क्रॉप है उसके रेट हाई नहीं हो जाते, जिससे कि वो ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि जंगलों के आसपास हैं, वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स। हम वहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी शहद को इकट्ठा करने वाले सेंटर, वेयर फार्मर्स कैन कम, जहाँ किसान आ सकते हैं, वहाँ पर अपना जंगलों से इकट्ठा किया गया शहद वो बेच सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टमाटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स। और इसके साथ साथ ऐसी इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश हो सकती हैं वहाँ पर, जिसमें सब्जियों और जो फ्रूट्स हैं या हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ और उनको रीजनेबल रेट में आउटसाइड एरिया में तब बेचें जब हमें रीजनेबल रेट लगे या फिर बेनिफिशियल लगे। तो ऐसे में ये सारे बेटा 5 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और किस टाइप से रूरल एरियाज में हम एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्पेशली सेमी रूरल एरियाज में, ना कि शहरी बड़े क्षेत्रों में। तो आपने देखा कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हम रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको साथ साथ लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा आप देखिए, वट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड इन योर एरिया। अपने क्षेत्र में देखना है आपने कि कौन से ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है या अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। कैन यू थिंक ऑफ सम मेजर्स दैट कुड बी टेकन अप फॉर देम। क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं कि उनकी गरीबी या उनके बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो अपने माइंड में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे दिया गया है, डू यू नो दैट इन इंडिया 46.9% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 years। 5 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के 46.9% लोग हमारी जनसंख्या के हैं। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 52% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस 46 का भी अगर हम कहें 52% ऐसे हैं पर्सन हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने अटेंड किया यानी शिक्षा ग्रहण की है। द रेस्ट आर नोट, बाकी लोग अनपढ़ हैं, दे मे एट होम या तो वो घर पर हैं, और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज ए चाइल्ड लेबरर्स। और इनमें से ज़्यादातर जो हैं क्या कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, यानी बच्चों से जो मजदूरी करवाई जाती है उसके शिकार हैं। मीन्स बच्चों से छोटी उम्र में काम करवाया जा रहा है ताकि वो अपने फैमिली को के सर्वाइवल को पॉसिबल बना सकें। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स, अगर इन बच्चों को भी स्कूल भेज दिया जाए, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, मोर टीचर्स, ज़्यादा टीचर्स यानी अध्यापकों की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अदर स्टाफ और दूसरे मेंबर्स स्टाफ मेंबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक जो हमारा प्लानिंग कमीशन था पहले, आजकल तो नीति आयोग बन गया है, प्लानिंग कमीशन जब था तो इसने एक स्टडी किया था, एक सर्वे किया था, जिसके अकॉर्डिंग इसने डिक्लेयर किया था कि नियर अबाउट 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। 20 लाख के लगभग नौकरियां रोजगार दूसरे लोगों को दिया जा सकता है जो अब तक अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है। ऐसे 20 लाख लोगों को शिक्षा का क्षेत्र ही रोजगार दे सकता है अकेला। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स। तो उसके लिए हमें किन की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सिस की ज़रूरत है और हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। यानी इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को रोज़गार देकर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी ख़त्म कर सकते हैं। दीज आर सम वेज बाई विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट टॉक्ड अबाउट इन
चैप्टर वन। चैप्टर वन में डेवलपमेंट के बारे में हमने जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे उन सभी चीज़ों को देखते हुए और इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देकर हम छिपी हुई बेरोजगारी को और मौसमी बेरोजगारी दोनों को ही काबू में ला सकते हैं। एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार के पास इतना सामर्थ्य है कि वो वहाँ रहने वाले लोगों की इनकम को भी बढ़ा सकता है और लोगों को काम भी दे सकता है। इट कुड बी टूरिज्म, योर किसके थ्रू हो सकता है, टूरिज्म के थ्रू हो सकता है। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करके, यानी क्षेत्रीय जो क्राफ्ट इंडस्ट्री होती है लोकल एरिया में, उसको इस्टेब्लिश करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। न्यू सर्विस जैसे आईटी वगैरह के जो सेंटर्स हैं उनको इस्टेब्लिश करके भी हम रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज के लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ा सकते हैं। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनमें से कुछ को तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, यानी पूरी योजना की जरूरत है और सहयोग की जरूरत है, सरकार का सहयोग और सरकार की योजनाओं का की जरूरत है ऐसे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाई द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड। हमारा प्लानिंग कमीशन जब था तो इसने एक सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंग अगर टूरिज्म को एक सेक्टर के रूप में इम्प्रूव किया जाए, यानी इसकी स्थिति में सुधार किया जाए, घूमने फिरने के लिए जो हम टूरिज्म का जो एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं इसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे दें और ज़्यादा फैसिलिटीज हम टूरिस्ट को देने लग जाएं तो क्या हो सकता है, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। तो यहाँ पर इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा कि अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इम्प्रूव करते हैं तो इससे भी हम 35 लाख के लगभग लोगों को नया रोज़गार दे सकते हैं और गरीबी और बेरोज़गारी के इस आलम को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस्ड अबाउट वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। ये भी बात याद रखने लायक है कि जो ऊपर हमने डिस्कशन किया, सजेशन दिए कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, इन सब को करने के लिए इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगता है। फॉर द शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए वी नीड सम क्विक मेजर्स, हम कुछ जल्दी जल्दी जो उपाय कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क, और इस चीज़ को पहचानते हुए हमारी जो केंद्रीय सरकार है भारत सरकार की, भारत में जो केंद्रीय सरकार है इसने राइट टू वर्क लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के 200 जिलों के अंदर ये योजना लागू की गई है। राइट टू वर्क यानी काम का अधिकार सभी लोगों को दे दिया गया और शुरुआती स्तर पर 200 जिलों को में ये इम्प्लीमेंट किया गया, देन एक्सटेंड टू एन एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद ये 130 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया गया ये प्रोसेस, और नियर अबाउट आजकल इसके जो नियर अबाउट हैं 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये योजना लागू हो चुकी है। यानी नरेगा स्कीम के तहत लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, वो भी स्पेशली रूरल एरियाज के बैकवर्डेड पीपल को। द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन रूरल एरियाज वर ब्रॉट अंडर द एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। तो जो बाकी बचे हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है लागू कर दिया गया है, नरेगा स्कीम आजकल इसको कहा जाता है, पहले इसको मनरेगा कहा जाता था, तो मैं आपको ये शो कर रही हूँ बेटा, इसमें आप देखिएगा इसको लागू किया गया था, इस स्कीम को 1 अप्रैल 2008 में ये जो है रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में लागू करने की एक योजना बनाई गई थी, और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा 2005 इसे कहा जाता है। इस नरेगा स्कीम के तहत हर वो इंसान, ग्रामीण इलाके का हर वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा है, उन सबको और महिलाओं को 100 डेज का इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इन ए ईयर, एक साल के अंदर, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर सरकार 15 दिन में किसी अप्लायर को अगर वर्क नहीं दे पाती है तो
सरकार को क्या देना पड़ता है, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंसेज होते हैं यानी बेरोजगारी भत्ता उसे देना पड़ता है, उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार उसको 15 दिन के अप्लाई करने के बावजूद भी उसको काम नहीं दे पाई। और इसके साथ साथ द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से प्रोडक्शन कैसे लिया जाए, तो इसके लिए अलग अलग टाइप के जो काम होते हैं इस एक्ट के अंडर में लाए गए हैं कि लोगों को किन किन क्षेत्रों में काम दिया जा सकेगा। लेटेस्ट वर्क दीज आउट, ये कुछ नरेगा स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ अर्बन एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार आप देखिएगा। व्हाई डू यू थिंक नरेगा 2005 इज रेफर टू एज राइट टू वर्क? नरेगा स्कीम को राइट टू वर्क क्यों रेफर किया गया है, क्यों बताया गया है? क्योंकि राइट टू वर्क इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें इंश्योर्ड 100 डेज का वर्क जो है जो नीडी पर्सन है उनको दिया जा रहा है, इसलिए नरेगा 2005 को इस टाइप से रेफर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर इन द विलेज हेड, यू आर द विलेज हेड, इन दैट कैपेसिटी सजेस्ट सम एक्टिविटीज़ दैट यू थिंक शुड बी टेकन टू अंडर दिस एक्ट एंड दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल। आप अगर मान लेते हैं कि आप किसी गांव के मुखिया हैं और आपके अंडर में ये नरेगा स्कीम चलाई जा रही है, तो आप कौन कौन से नए नए काम उनसे करवाओगे जिससे कि उन लोगों की इनकम बढ़े? तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, हो सकता है मैं आपसे जब डायरेक्ट क्लास लूँ तो आपसे पूछूँ। How would income and employment increase if farmers were provided with irrigation and marketing facilities? तो आपको ये भी बताना है कि farmers की income और employment को कैसे बढ़ाया जा सकता है अगर हम market facilities उनकी बढ़ा देते हैं और irrigation के साथ facility भी उनको provide करवाते हैं, तो कैसे ये employment और income को increase करता है। ये अभी आपने पीछे एक question पढ़ा था उसमें भी इसका answer आया था, तो वहाँ से आप इसको search कर लीजिएगा। In what ways can employment be increased in urban areas? आपने पढ़ा था rural areas में, अब आपको urban areas के suggestions देने हैं, जिसमें ये भी इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि अर्बन एरियाज में हम एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं बेटा, ये आपको पढ़ने हैं। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं इसमें आपको पढ़ना है। लेटेस्ट एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो अलग अलग एक्टिविटीज उन्हें हम किस तरीके से अलग अलग वर्ग में विभाजित करते हैं। दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, जिससे कि ये पता चले कि कौन से लोग किस काम में लगे हुए हैं। वट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, उनके काम की स्थितियाँ कैसी हैं। आर देयर एनी रूल रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट, क्या उनके रोजगार में या उनके काम धंधे में किसी प्रकार के नियमों का भी पालन किया जा रहा है? तो उसके बेसिस पर हम क्या है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को डिवाइड कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कांता का। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। कांता एक ऑफिस में काम करती है और 9:30 बजे सुबह से वो काम करने लगती है, 5:30 बजे तक उसका टाइम पीरियड है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में उसे एक रेगुलर सैलरी मिलती है। इन एडिशन टू द सैलरी, सैलरी के अलावा शी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाई द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जो भविष्य निधि फंड दिया जाता है वो भी उसे मिलता है फ्यूचर के लिए। शी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज, उसे जो है दवाइयों का खर्चा भी मिलता है और दूसरे भत्ते भी उसको दिए जाते हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, और कांता संडे को कभी भी ऑफिस नहीं जाती। दिस इज ए पेड हॉलीडे, ये उसकी पेड हॉलीडे होती है, यानी वैन शी ज्वाइंड वर्क, जब उसने इस काम को ज्वाइन किया था, शी वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। तो उसको जब काम पर लगाया गया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जिसमें सभी टाइप की टर्म्स एंड कंडीशंस राइट डाउन थी। इट मींस ये सारी जो बातें हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर को इंडिकेट करती हैं कि रेगुलर वर्क है, जॉब सिक्योरिटी है, जो है सैलरी के साथ साथ दूसरे अलाउंसेज भी मिल रहे हैं, पेड हॉलीडेज भी मिल रही हैं। तो ये सारे रेगुलर किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो है आपको मैं कमल का एग्जांपल
कमल इज कांताज नेबर। अब कमल जो है कांता का नेबर है, पड़ोसी है। ही इज ए डेली वेज लेबरर इन ए नियर बाई ग्रोसरी शॉप। एक ग्रोसरी शॉप पर वो काम करता है एज ए लेबरर। और ही गोज टू शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग। वो सुबह 7:30 बजे सुबह दुकान पर पहुंच जाता है एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग। और शाम के 8 बजे तक उसे उस दुकान पर ग्रोसरी शॉप पर काम करना पड़ता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेज अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। उसको अपनी वेजेस के अलावा और कुछ नहीं मिलता, यानी एक्स्ट्रा अलाउंसेज की उसको नहीं दिए जाते। He is not paid for the days he does not work. जिन दिनों में वो काम नहीं करता उसके लिए उसे सैलरी नहीं मिलती। He has therefore no leave or paid holidays. ना तो उसे कोई छुट्टी मिलती है और ना ही पेड हॉलीडेज मिलती हैं। Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. और ना ही उसे दुकान पर काम करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। He can be asked to leave any time by his employer. कभी भी उसका मालिक उसे काम से निकाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ लेस वेजेस दिए जाते हैं, जहाँ एक्स्ट्रा अलाउंसेज नहीं मिलते, जहाँ पेड हॉलीडेज और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, जहाँ वर्किंग आवर्स लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं और उसके लिए ओवर पेड नहीं किया जाता। डू यू सी द डिफरेंस इन द कंडीशंस ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल। कांता और कमल के काम के बीच में डिफरेंस आप देख सकते हैं। सैलरी के बेसिस पर भी देखा जा सकता है, वर्किंग आवर्स के बेसिस पर भी देखा जा सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बेसिस पर भी देखा जा सकता है, जॉब सिक्योरिटी के बेसिस पर भी देखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे अब तक मैंने कभी भी एग्जाम्पल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी किसी और बुक में, और यहाँ पर मैं सभी एग्जाम्पल्स आपको रीड करवा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कभी भी हम देखते हैं फाइनल एग्ज़ाम में तो बुक में हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं उनके बेसिस पर डिफरेंशिएशन करवा लिया जाता है, या फिर जो है आपको चेक किया जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी डेप्थ ऑफ कंसेप्ट्स को चेक किया जा सकता है। इसी वजह से इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो आप भी इसको इनिशियल स्टेजेस पर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेज ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैज एश्योर्ड वर्क। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्री लॉज, फैक्ट्री एक्ट्स, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए बेटा, ये सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशंस हैं। इनको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लर्न कीजिएगा कि कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है जहाँ पर उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें जो रेगुलर वर्क लोगों को मिलता है, टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें बताई जाती हैं, उन्हें कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है और वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं। वहाँ रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है वो सारे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, चाहे वो मिनिमम वेजेज एक्ट हो, फैक्ट्री एक्ट हो, ग्रेचुटी फंड वाला एक्ट हो, या फिर शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो। तो इस टाइप के जो सेक्टर होता है, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर एक जॉब सिक्योरिटी है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी के साथ साथ, और पेड लीव हॉलीडेज वगैरह भी सब दी जाती हैं, और गवर्नमेंट के लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जिसमें रजिस्टर्ड होती हैं शॉप्स वगैरह या फिर वर्क, ऐसे सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। यहाँ पर वो कुछ औपचारिक जो है प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी वन बट मे वर्क ओन देयर ओन बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल रेगुलेशन। जरूरी नहीं है कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा की पूरा सरकार के थ्रू ही चल रहा हो। ऐसे में कुछ ऐसे भी संस्थाएं होती हैं जो अपने आप को सरकार के अधीन जो सरकार से रजिस्टर करवा लेती हैं और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, और रेगुलेशंस को मस्ट वहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ इस टाइप की फैसिलिटीज अपने जो वर्कर्स को वो प्रोवाइड करवाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट कई बार फंड प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट उसमें पार्टनर बन जाती है इस टाइप की इंस्टीट्यूशंस में। और ज़्यादातर जो है बड़ी बड़े जो कंपनीज होती हैं
प्राइवेट सेक्टर की वो भी इस टाइप के जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर की इस टाइप की फैसिलिटीज कई बार अपने वर्कर्स को देती हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी होती है, उन्हें बार बार नौकरी जाने का खतरा नहीं रहता। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। अभी यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम के लिए वर्क नहीं करते। इफ़ दे वर्क मोर, अगर मान लो वो करते भी हैं, दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम। तो अगर एम्प्लॉयर उन्हें ज़्यादा समय के लिए एंगेज करता है किसी काम में तो उसे ओवर टाइम पे भी किया जाता है, यानी एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट उन्हें मिलती है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर से और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी गेट करते रहते हैं। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स क्या हैं? दे गेट पेड लीव, पेड लीव उनको दी जाती है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, और हॉलीडेज अगर वो होती हैं उस इंस्टीट्यूशन में तब भी उसको उसकी सैलरी का डिडक्शन नहीं होता। प्रोविडेंट फंड नाम की जो फैसिलिटी है, ग्रेचुटी फंड नाम की जो फैसिलिटीज है, ये सारी भी उनको दी जाती है जब वो रिटायर्ड हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। वहाँ फैक्ट्री का जो मेन मैनेजमेंट का जो पर्सन होता है वो सभी फैसिलिटीज को अरेंज कराता है, जैसे साफ और स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना या अच्छा वातावरण प्रदान करना काम करने के लिए, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मैनेजर को प्रोवाइड करवानी होती है। व्हेन दे रिटायर, और जब ये पर्सन रिटायर होते हैं, दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल। इन पर्सन को क्या है, पेंशन भी मिलती है रिटायर होने पर। इन कंट्रास्ट, जब इसके विपरीत आप देख सकते हैं कि जो कमल था, कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं, छोटे काम धंधे होते हैं और बिखरे हुए काम धंधे होते हैं, जिसमें जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता और रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट हमारी बनाती है उसको भी फॉलो नहीं किया जाता, और वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। जॉब्स यहाँ पर जो है लो पेड होती है, यानी सैलरी कम मिलती है लोगों को, इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर भी नहीं मिलती। देर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम के लिए ओवर पेड भी नहीं किया जाता। समटाइम्स जब वो लीव्स लेते हैं, हॉलीडेज होती हैं, तब उनके या फिर सिकनेस की वजह से उन्हें लीव लेनी पड़ती हैं तो उनकी सैलरी का डिडक्शन हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, यहाँ पर जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है क्योंकि उनको काम से हटाया जा सकता है। पीपल कैन बी आस्क टू लीव विदाउट एनी रीजन, बिना कोई कारण बताए लोगों को यहाँ से रिजाइन देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जाने के लिए कहा जा सकता है। व्हेन देयर इज लेस वर्क, जब उनके पास काम नहीं होता। ड्यूरिंग सम सीजन्स, कुछ मौसम के दौरान, कुछ महीनों के दौरान जब उस यूनिट में काम नहीं होता तो उन लोगों को हटा दिया जाता है। सम पीपल मे बी आस्क टू लीव अ लॉट, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वीम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और जो बाकी बचते हैं वो भी एम्प्लॉयर की दया दृष्टि की वजह से ही बचते हैं। वीम्स ऑफ द एम्प्लॉयर का मीनिंग है कि